हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। कैसे आपको तैयारी करनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, और कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इसके एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट तो चाहते हैं कि हमको मेन कैंपस ही मिले, लेकिन मार्क्स कम आने की वजह से इनको एफिलेटेड कॉलेज मिलता है, और सभी को मेन कैंपस मिल पाना संभव भी नहीं है पूरी तरह से। इसलिए आज बहुत कम बच्चों को मेन कैंपस मिलता है और बाकी बच्चों को एफिलेटेड कॉलेज की मिलता है। ठीक है, तो इसी विषय में आज चर्चा करेंगे पूरी इस वीडियो में। तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे आपको वीडियो पूरी समझ में आए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। ठीक है, आप अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी की भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी अभी नॉलेज नहीं है तो हम आपको बता दें, आप एक मार्केट से अरिहंत की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बुक ले लीजिए। आप बीए की लेना चाहते हैं तो बीए की ले लीजिए, बीएससी की लेना चाहते हैं तो बीएससी की ले लीजिए, अगर बीकॉम की लेना चाहते हैं तो बीकॉम की ले लीजिए। हर सब्जेक्ट की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। कटरा मार्केट में आप जाकर ले सकते हैं, वहाँ पूरे बुक आपको इन्हीं सब चीज़ों की मिलती है। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की आप कह देंगे तो आपको बुक वहाँ से मिल जाएगी, हर बीए, बीएससी, बीकॉम, और माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, पूरी तरह से कंफर्म है। तो पूरे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में करके आने हैं, आए चाहे ना आए पूरे करके आने हैं। ठीक है, एक दो तो आपको तुक्का भी लग सकता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, और बीए, बीएससी, बीकॉम जितने हैं सभी बुक खरीद सकते हैं। और हम बात करेंगे अब मार्क्स, कितने मार्क्स कम से कम लाएंगे कि आपको मेन कैंपस या उससे एफिलेटेड कॉलेज मिल जाए। जैसे एफिलेटेड कॉलेज में जगत तारण हो गया, सीएमपी डिग्री कॉलेज हो गया, आपका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो गया, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज हो गया। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज एक तरह से प्राइवेट में आ जाता है क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत हाई फाई रहती है। जैसे बीएससी की आपकी सीएमपी में 1920 है तो इसमें 13,000 लगभग रहती है आईएसडीसी, तो बहुत कम स्टूडेंट आईएसडीसी में एडमिशन करवाते हैं फीस की वजह से। और आपका एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज हो गया, ऐसे आपके एफिलेटेड कॉलेज हैं आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो आइए बात करें मार्क्स की, तो आपको बता दें कम से कम अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो बीए की कट ऑफ तो बहुत गिर जाती है जनरल वालों की, 130 120 चली जाती है। ठीक है, तो जनरल वाले 120 130 मार्क्स ले आएंगे तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, बीए की बात कर रहे हैं। और एससी वालों की तो 100 से भी नीचे कट ऑफ चली जाती है, और जो एसटी कैटेगरी के रहते हैं उनकी तो ऑल सभी बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में उनको वो रहता है कि वो तुरंत एडमिशन करवा ले, उनके लिए कोई नंबर मार्क्स का वो नहीं होता है। जितने मार्क्स उनके रहते हैं अगर एक नंबर भी ले आए तो उनके लिए सफिशेंट है एडमिशन के लिए, तो उनके लिए कोई छूट नहीं होती कितने ज़्यादा मार्क्स लाएँ। एसटी वालों के लिए छूट होती है, वो जीरो नंबर पर भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन एससी की कट ऑफ 100 से नीचे 80-90 चली जाती है, और जनरल वालों की 120 लगभग जाती है। और बीएससी की बात करें, बीएससी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 170 180 160 ऐसे आपकी कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी की। और एससी की बता दें, एससी की कट ऑफ आपकी 120 तक चली जाएगी लगभग, लास्ट कट ऑफ वो भी जाएगी। लास्ट कट ऑफ के लिए आप कितना वेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और बीकॉम की हम बात करें, बीकॉम की भी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी आपकी पिछले साल की, बता दें 180 गई थी कट ऑफ, इससे नीचे आपकी कट ऑफ गिरी नहीं थी जनरल कैटेगरी की। और ओबीसी की कहीं जाकर आपकी 170 उत्तर पर रुक गई थी, और एससी की भी 150 या 140 पर रुक गई थी, इसलिए बीकॉम की भी बहुत कम सीटें हैं। और बीए, बीएससी, बीकॉम का तो हमने आपको बता दिया, बीए एलएलबी का भी आपको बता दें, बीए एलएलबी में टोटल 150 सीटें आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिसकी कट ऑफ 196 जो पिछली बार गई थी। तो इस साल अगर आप 200 प्लस नंबर लाते हैं तो मान के चलिए आपको मेन कैंपस कंफर्म मिल जाएगा बीए एलएलबी कोर्स के लिए, अदरवाइज आपको एफिलेटेड कॉलेज मिलेगा। अगर आपके 100 के अंदर नंबर हैं तो आपको सीएमपी की कट ऑफ भी थोड़ी आपकी हाई चली जाती है जनरल कैटेगरी वालों की। अगर आपके 150 नंबर हैं तो तभी आपको सीएमपी भी मिलेगा, बीकॉम की हम बात कर रहे हैं। और बीएससी में आपको अगर आप कम से कम 140 130 ले आते हैं तब आपको सीएमपी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको एडीसी मिलेगा इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, या फिर आपको ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इन सब कॉलेज की कट ऑफ गिर जाती है। 110 तक भी चली जाएगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज तो सीएमपी, एडीसी ये सब कॉलेज तो आपको मिल ही जाएंगे अगर मेन कैंपस नहीं मिलता है। अदरवाइज किसी रेयर केस में से आपको सीएमपी भी नहीं मिल पाता कि उसकी कट ऑफ हाई चली जाती है, तो आप इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, और या ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म आपके आने ही वाले हैं, 5 से 10 अगस्त के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे। और
एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आपकी एंट्रेंस तैयारी चलेगी। 10-15 दिनों के बाद आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवा लिए जाएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवाने के बाद एक महीने में आपका रिजल्ट भी घोषित करके फिर आपकी कट ऑफ आनी शुरू हो जाएगी। फिर कट ऑफ के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग इस बार भी शायद ऑनलाइन ही काउंसलिंग करवाई जाए, तो ऑनलाइन ही आपकी काउंसलिंग का भी प्रोसीजर इस बार रहने वाला है। ठीक है, तो और कोई अपडेट आती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आपको हम अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।